क्या आप जानते हैं गेट शॉट ऑफ समबडी अ समथिंग का इस्तेमाल क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए गेट शॉट ऑफ समथिंग अ समबडी। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। गेट शॉट ऑफ समबडी अ समथिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी को कोई इंसान या कोई चीज पसंद नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़ दिया है या उसे छुटकारा पा लिया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं अपनी पुरानी मोबाइल से छुटकारा पा लिया हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव गॉट शॉट ऑफ माई ओल्ड मोबाइल, यानी मैं अपनी पुरानी मोबाइल से छुटकारा पा लिया हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और जैसा कि आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मुझसे छुटकारा पा लिया, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गॉट शॉट ऑफ मी, यानी वह मुझसे छुटकारा पा लिया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है गॉड। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा पाने का ये सही टाइम है या सही वक्त है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम वी गॉट शॉर्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में मैंने बोला इट इज हाई टाइम, जिसका मतलब हुआ सही टाइम है या सटीक वक्त है। हो सकता है कि आप यहाँ सोच रहे हो कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो फिर मैंने इस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया, यानी मैंने गॉट क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये सही है कि प्रेजेंट टेंस में गेट का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट टेंस में गॉट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आपके सेंटेंस इट इज हाई टाइम से शुरू हो तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट में ही होता है, यानी आप उसमें सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे चाहे आपका हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट में हो। मैं इस बात को एक बार और दोहरा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। अगर आप सेंटेंस की शुरुआत इट इज हाई टाइम से करते हैं, जिसका मतलब होता है कि यह सटीक टाइम है या बिल्कुल सही वक्त है, इसके बाद आने वाला सेंटेंस का वर्ब सेकेंड फॉर्म में ही होगा, यानी पास्ट में होगा, चाहे आपका हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट में हो। ये रूल है, ये नियम है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए इस सेंटेंस में मैंने गेट के जगह पर बोला गॉट। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस कार से छुटकारा पाने का ये सही टाइम है या ये सटीक टाइम है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज हाई टाइम वी गॉट शॉट ऑफ दिस कार, यानी इस कार से छुटकारा पाने का बेहतर वक्त है या सही वक्त है।